लगातार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी, हम सभी जानते हैं कि देश में किसान विरोधी बिलों को लेकर किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंच गया है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उन मांगों के संदर्भ में एक ईपीएस 95 पेंशन धारक द्वारा श्री गुरुमुख सिंह शाल जी प्रेसिडेंट एनसीआर को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है, तो उस मुद्दे को लेकर एक पत्र लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मौजूदा स्थिति है, तो वो इस पत्र में बयान होती है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारक कैसे जिंदगी जी रही है तो वो पता चलता है। तो जी, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में एक और अपडेट निकल कर आया है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए कर उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, इसी को लेकर 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए श्री गुरुमुख सिंह शाह प्रेसिडेंट एनसीआर के नाम एक पत्र लिखा गया है। तो इसी के संदर्भ में ये जो अपडेट है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु कृषि कानून का मुद्दा जितना एक आम किसान समझ सकता है कोई दूजा नहीं, लेकिन आम किसान कम विशेष किसान ही उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि लोग कह रहे हैं, और टीवी में लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार खाने पीने सोने उठने के इंतजाम दिखाया जा रहा है, शायद किसान जिसमें गरीब की श्रेणी में रखकर देखते हैं, ये सब उनके कुबत के बाहर ही होना चाहिए। हम जब देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के बात सोचते हैं, तो यहाँ भी आम और खास दो श्रेणियां दिखाई देती है, कुछ अत्यंत गरीब तो कुछ अत्यंत सक्षम है। औसतन सभी वरिष्ठ नागरिक शारीरिक आर्थिक रूप से न केवल कमजोर है, बल्कि इस दुनिया से कुछ करने की कगार पर है, अनेक तो विदा भी ले चुके हैं। पिछले 4 सालों से सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुसार अपनी पेंशन की जायज मांगों के लिए सड़कों पर ही नहीं बल्कि कोर्ट में भी संघर्ष करते चले आ रहे हैं। हमें तो अब तक किसी का समर्थन नहीं मिला, न देश के अंदर से न देश के बाहर से। जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल है, उनमें से एक ने भी सामने आकर हमारा समर्थन करना तो दूर, अपनी नजरे कर्म की इनायत करना भी जरूरत महसूस नहीं की। जिस प्रकार पूरे देश की किसानों की हालत है, उससे बदतर तो पूरे देश के 65 लाख ईपीएस 95 सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की है। हम अपने ही पेंशनर समाज का समर्थन नहीं दे पा रहे है, किसान भाइयों के समर्थन में बिना बुलाए ही चल पड़े है। मैं नहीं कहता कि आप गलत कर रहे है, अच्छा है समर्थन दीजिए, पर ऐसा है तो सिर्फ सोशल मीडिया में समर्थन देने से किसान आंदोलन को बल मिलता है, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स का, जिनकी अगुवाई एनसीआर के मन से आप कर रहे हैं, पूरे देश के पेंशनर्स को चलो दिल्ली का आह्वान कर सकते हैं? क्या सभी नहीं तो सिर्फ दिल्ली और आसपास के पेंशनर्स के एक दस्ते को आंदोलन स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं? यदि ये संभव है, तो आपके सोशल मीडिया पर समर्थन किसान भाइयों के आंदोलन के लिए वास्तविक और सार्थक होगी। आप एनसीआर जैसी संस्था के माननीय अध्यक्ष है, जिसमें 50 के लगभग दूसरे पब्लिक सेक्टर निजी सहकारी संस्थाओं के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपके अकेले समर्थन का किसान भाइयों के आंदोलन पर तो कोई अधिक प्रभाव या उपयोग तो होने से रहा। यदि आपका ये समर्थन व्यक्तिगत है तो ठीक है, जिसे आपकी बात समझ आती है तो ठीक है, पर आप किसी पर अपनी राय तो नहीं थोप सकते हैं ना। आपकी इस पोस्ट के तो यही मायने लोग समझ रहे हैं, जैसे कि आपके एक प्रबुद्ध मित्र श्री सतीश प्रसाद जी ने इन्हीं कारणों के चलते आपकी दोस्ती से विलग होने का मन बना रहे हैं। मेरा तो मानना है कि किसी दोस्त में लाखों मतभेद हो, मतभेद होना नहीं चाहिए। आप बहुत ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति है, आदरणीय, इसलिए इस मामले में मैं कुछ आपको किसी प्रकार की सलाह देने की जरूरत नहीं समझता। आगे इस पत्र में कहा गया है, आदरणीय, इसलिए इस मामले में मुझे आपको किसी प्रकार की सलाह देने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि हो सके तो किसान आंदोलन के किसी भी मंच से पेंशनरों को सरकार से न्याय दिलवाने पर समर्थन प्राप्त कर सके, तो आपके इस प्रयास की सर्वत्र प्रशंसा जरूर होगी।
इतना तो तय है, माननीय कमांडर अशोक राउत तरह अन्य पेंशनर के मन से देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। क्या उन्हें पेंशनर समाज में रहते हुए ऐसा ही समर्थन दे सकते हैं, भले व्यक्तिगत तौर ही सही, जैसा कि आप किसान भाइयों के समर्थन में आगे आए हैं? आपके उक्त समर्थन बाकी मित्रों की क्या राय होगी, ये तो तभी ज्ञात हो सकेगी जब वो कुछ कहे। सभी ऐसे मित्रों का दिल से स्वागत करूंगा, क्षमा चाहूंगा वक्तव्य जरा लंबा हो गया। मित्रों, फुर्सत में यह तो थोड़ा समय अपने पेंशनर समाज के लिए जरूर निकाले, यह विनम्र आग्रह है। यह पत्र ईपीएस 95 पेंशन धारक द्वारा माननीय श्री गुरुमुख सिंह शाल जी, प्रेसिडेंट एनसीआर को लिखा गया है, जो मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की व्यथा को दर्शाता है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो ज्वलंत मुद्दा है, तो इस पर ध्यान देने की सभी को जरूरत है। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले कई दिनों से, यानी पिछले कई सालों से जो है वो पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी पेंशन को जो है वो बढ़ाया नहीं गया है। इसके चलते ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा तरह तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें कई आंदोलन शामिल है, कई ज्ञापन शामिल है, कई पत्र जो है वो शामिल है, कई संस्थानों के जो प्रेसिडेंट है तो उनको भी पत्र लिखे गए हैं, पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो वो पूरी नहीं हुई है। पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि वो जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका हक नहीं दिलाए देते, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो जी हां, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्री गुरुमुख सिंह जी को ये पत्र लिखा गया था, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।